तो आज दो ट्रेलर रिलीज हुए हैं, एक है फिल्म धड़क और दूसरा है फिल्म सूरमा। पहली फिल्म धड़क का अगर जिक्र करें तो इसमें स्वर्गीय श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर हैं, ईशान खट्टर जो कि शाहिद कपूर के हाफ ब्रदर हैं वो हैं इसमें। सूरमा में दलजीत दोसांझ हैं और सूरमा में है तापसी पन्नू। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैरत मराठी फिल्म जो कि आई थी 29 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई थी, सुपरहिट फिल्म थी, उससे इंस्पायर बताया जा रहा है धड़क को, बल्कि उसका रीमेक बताया जा रहा है। और जब आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से कई शॉट्स हैं, खासकर झिंगट जो उसका सॉन्ग है, मशहूर सॉन्ग, वो इसमें भी है और वो उस मराठी फिल्म में भी था, यानी धड़क में भी है और सैरत में भी था। एक सीन है जिसमें जाह्नवी कपूर हाथ में बंदूक लेके धमकी देती हैं, वही सीन रिंकू राजगुरु उस मराठी फिल्म में अपने हाथ में बंदूक लेके धमकी देती हैं। एक सीन है क्लासरूम का, वो सीन भी उस फिल्म में था। एक सीन है जिसमें वो अंग्रेज़ी में आई लव यू बोलने को कहती हैं और यहाँ पर ये कहती हैं। ये काफ़ी सारे सीन्स मिलते हैं, तो लगता है कि ये फिल्म पूरी तरीके से इंस्पायर्ड है। करण जौहर ने प्रोडक्शन के उनके आपसे ये फिल्म आई है और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें रोमांस है, ड्रामा है, एक्शन है, इमोशंस हैं, यानी हर वो प्लेटफॉर्म है जो जाह्नवी और ईशान खट्टर को एक अच्छा होमवर्क करा के एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकता है उनके फिल्मी करियर का। हालांकि ईशान खट्टर की एक्टिंग की बात की जाए तो वो ज़्यादा मजे हुए दिख रहे हैं, दोनों में केमिस्ट्री भले ही कितनी भी अच्छी हो लेकिन ईशान ज़्यादा एक्सपीरियंस दिखाई दे रहे हैं जाह्नवी के सामने, क्योंकि एक दो फिल्में कर चुके हैं। बियॉन्ड द क्लाउड्स उनकी एक हाल ही में फिल्म रिलीज़ हुई थी, बचपन में उन्होंने फिल्म की थी वाह लाइफ हो तो ऐसी। शेखर कपूर का डायलॉग है, एनी एक्टर कैन बी अ गुड एक्टर प्रोवाइडेड ही गेट्स 10 मूवीज एंड दैट्स अ बिग क्वेश्चन इफ ही गेट्स 10 मूवीज। तो अगर ये देखा जाए तो इन दोनों को 10 मूवी से तो ज़्यादा मिल ही जाएंगी, लेकिन हाँ 2 मूवी कर चुके ईशान खट्टर ज़्यादा बेहतर दिख रहे हैं। फिल्म इंस्पायर्ड है सैरत से, साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ कयामत से कयामत तक का वो यूथ याद आता है आमिर खान और जूही चावला का। एक और फिल्म जो रिलीज़ होने वाली है जिसका ट्रेलर आज रिलीज़ हुआ है सूरमा, ये इंस्पायर्ड है हॉकी के कप्तान रह चुके संदीप सिंह से। संदीप सिंह जिनको ड्रैग फ्लिकर फ्लिकर सिंह कहा जाता था, शानदार ड्रैग फ्लिकर करते हैं वो, और संदीप सिंह को गोली लग गई थी शताब्दी में 2006 में एक्सीडेंटली, और फिर उनको लकवा मार गया था और उनको तुरंत बाद जर्मनी में वर्ल्ड कप के लिए जाना था, 2 साल व्हीलचेयर पर रहे और उसके बाद संदीप सिंह कमबैक करते हैं। तो ये फिल्म वही इंस्पायर करती है। इस फिल्म में सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि ये चक दे और भाग मिल्खा भाग से कहीं ना कहीं इंस्पायर ना हो, उसकी सीक्वेंसिंग ना हो। दलजीत दोसांझ हैं इसमें, अच्छे एक्टर हैं। अब देखना ये होगा, 13 जुलाई को फिल्म आ रही है। दोनों फिल्मों के ट्रेलर साथ रिलीज़ हुए हैं लेकिन दोनों फिल्में एक साथ खुद रिलीज़ नहीं हो रही है। 13 जुलाई को आ रही है आपकी फिल्म सूरमा और धड़क रिलीज़ हो रही है 20 जुलाई को, जो पहले 6 जुलाई को होने वाली थी। इंटरेस्टिंग होगा दोनों फिल्मों को देखना, और अभी तक तो सब ठीक ही लग रहा है।